Welcome back to episode of Car Talk. आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की आजकल काफ़ी ज्यादा कमी हो रही है और काफ़ी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है करेंसी काफ़ी डिवेलू हो रही है तो जो एक, एक डॉलर की कमी है इसको कैसे मुकम्मल किया जा सकता है और कैसे इसको फुलफिल किया है, करते है? वारे वारे जी, में हो गया। बुरी तरह महंगा हो गया और इसकी वजह वजूहत क्या है कि पाकिस्तान में डॉलर है नहीं और जो ये जो हुकूमतें रही हैं इन्होंने इम्पोर्ट को बड़ा इंक्रेज किया कि जी दुनिया से मंगवाते जाएँ यानी एक आज से दस साल पंद्रह साल पहले जब ये बहुत सिलसिला रूज पे पहुंच गया इम्पोट का तो किसी ने सोचा नहीं कि आने वाले टाइम में ये कहाँ होगा ये तो लीडर्स का काम था ना सोचना कि भई आज फर्ज़ करें आज हम अगर आ, देखते हैं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है तो हम आने वाले टाइम में सोच सकते हैं कि क्या इसके रेपकेशन होंगे आने वाले दिन में क्या क्या मसाइल होंगे तो इम्पोर्ट इतनी बढ़ा दी कि उसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वही फसला हो गया यानी हम जो जितना मंगवाते थे उससे कहीं कम बार बेचते ये आज भी हमारा मसला है और इस वजह से ये सबसे बड़ी रीज़न है कि जिसकी वजह से डॉलर के ऊपर डॉलर महंगा रुपये के ऊपर प्रेशर है क्योंकि डॉलर हमारे पास है नहीं और हर चीज़ मंगवाने के लिए डॉलर चाहिए होते हैं और वो है नहीं अच्छा याद रहे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है तो याद रहे कि अमेरिका ने अमेरिका की तारीख में इतने डॉलर प्रिंट नहीं किए जितने उन्होंने पिछले डेढ़ सालों में प्रिंट किए हैं इसके बावजूद कि उन्होंने डॉलर छाप छाप के जो है वो हद कर दी इंतहा कर दिया लेकिन पाकिस्तान में डॉलर बिल भी, भी शॉट है दुनिया में डॉलर की कमी की वजह से डॉलर महंगा हो रहा है दुनिया में और बाकी करंसियां जब वो वीक हो रही अच्छा आप ये आ, जो हमारे डॉलर तो आप आप सॉरी पता होता कि ये डॉलर कैसे हम बाहर से मंगवाएं और अपने मुल्क में ये डॉलर को नीचे लाएं और रुपये को मजबूत करें ये कैसे होगा देखिए जी जो भी हमत अमली अख्तियार की जाती है उसमें एक तरीकाकार कंसेंसस होता है तरीकाकार तरीक़ाकारख्तियार किया जाता है लेकिन बदकस्मती से हमारे ऐसा नहीं है हमारे यहाँ मैं आपको जर्नलिज्म की बात बताऊँ कि जर्नलिज़म में भी आज से तीस साल पहले बड़े बड़े जो आ, बड़े बड़े एडिटर बनते हैं बड़े बड़े, बड़े जर्नलिस्ट हैं वो इकोनॉमी को नहीं समझते थे बजट को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे मैंने अपने आंखों से देखा उनकी जहालत को और एक को लड़ा लंगड़ा बंदा होता था, था जो बजट को समझता था तो वो एक्सप्लेन करता था हमारे यहाँ इकोनॉमी की जहालत इस कदर ज़्यादा है अब आप सोचिए जहाँ लोगों को इकोनॉमी की ये जो जो बजट है उसको ही एक्सप्लेन करने वाले या समझने वाले लोग नहीं होंगे गोरख धंधा है ना फिर इसका मतलब है कि जो जो ये बजट बनाते हैं वो क्या बनाते हैं कि उसको सिम्प्लीफाई नहीं करते कि लोगों को समझ ना आ जाए और ये सारे पाकिस्तान के अंदर मिसाइल जो है ना वो ज्यादा से जुड़े हुए हैं बार अच्छा अब जो डॉलर है डॉलर पाकिस्तान के अंदर या तो एक्सपोर्ट करके आ सकता है कि हम चीज़ें बाहर भेजें और डॉलर आ जाए अब ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता ओवर नाइट नहीं हो सकता ये ये काम होता है एक्सपोर्ट वाला काम ही होता है कि आप आज शुरू करते हैं दस साल के बाद उसके बताए जाते हैं ना प्रोडक्ट बननी है प्रोडक्ट यहाँ एक्सेप्ट होनी है भाई की मतलब उसकी जो प्राइस है वो यहाँ सेटल होनी है लोगों को पसंद आनी है उसके बाद उसने एक्सपोर्ट जाना है दूसरी मंडियों में जाना है वहाँ और प्रोडक्ट उसी की टक्कर की होंगी क्या वो उससे कम्पैटेबल है कि नहीं है तो इट्स लॉन्ग रन प्रोसेस ये शॉर्ट रन नहीं है यार यहाँ से कोई चीज़ें भेज दो तो वो जो लोग हैं मांग क्या कोई आप बेच के बताओ ना नहीं वो हम ही वो है जो प्याज ही मंगवा लेती है अदरक भी मंगवा लेती है दुनिया की कौमें ये नहीं मंगवाती हैं वो वैल्यू एडेड चीज़ें ही मंगवाते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है अदरवाइज़ वो कोशिश करते हैं अपने 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 घर यानी अपने मुल्क में बनाए और वो एम ही इम्पोर्ट नहीं करते मूँह उठा के जैसे हमारे डहले डले करते हैं और वही चीज़ें बेच रहे हैं अच्छा उस वक्त तक अगर ये टका लगा ये स्टाफ किया जाता तो आज सूरत्याल ऐसी वस्त ना होती लेकिन नहीं लगाया गया क्योंकि वो हुकूमतों करने में और गराने में लगे हुए थे वो जनरल बाजवा बाजवाब जिसका के लोग थे यहाँ सुझ पर जो है तो इनका इनका एक टनल विजन होता है इनकी एक सोच मिलिट्री डिक्टेटर की तरह ही होती है और जो दूसरे सियासदान है वो भी इन्होंने लाए हुए हैं नाहल टोने कि जो बेसिकली कोई अगर अगर कोई टक्कर का या ढंग का लीडर हो तो वो फिर अदारे से ऊपर हो जाएगा तो अदारा ये किसी तरफ कबूल नहीं करेगा जहाल कबूल कर लेगा गुरुर्बत कबूल कर लेगा वो जो मोदी ने कहा कि कश्कोल लिया लिया पाकिस्तान फिर है वो कबूल कर लेगा पाकिस्तान में किसी को बड़ा लीडर नहीं बनने देगा पाकिस्तान में किसी को या के मसाइल हल करने नहीं देगा बहर या तो हम एक्सपोर्ट करें तो डॉलर आए या फिर यह कि जो हमारे पाकिस्तानी गए हुए बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पैसा भेजे अब इंटरेस्टिंगली इमरान खान के दौर में वो तकरीबन साल के इकतीस अरब डॉलर भेज रहे थे लेकिन जब से उन्होंने रिजीम चेंज किया वो तकरीबन बाईस तेईस अरब डॉलर पे आ गए हैं यानी दस एक अरब डॉलर वहाँ से शार्ट हो गया जनरल बाजवा की वजह से ये जिसने रुझी चेंज कर दी हालांकि इमरान ख़ान ने ओवरसीज़ को बड़ा पंप किया हुआ था कि जी आपकी बड़े वो हैं पाकिस्तान में आपकी बड़ी अहमियत है मैं बड़ी क़दर करता हूँ और मुझे आप चंदा भी देते और मुझे पता है आप कितने अच्छे और मैं इसमें आपके लिए गवानी बना दूंगा आपको कोई तंग नहीं कर सकेगा वो सुबह शाम कर दान कर करके उसने इकत्तीस अरब डॉलर सार के मंगवा रहा था निज़ाम चमरा था अब वो भी बीच में से दस अरब डॉलर कम हो गए बजाय और जो जो कैपेसिटी है ये भी आप याद रखें पाकिस्तान जितने इस वक्त में एक करोड़ पाकिस्तानी दस मिलियन के करीब पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। और ये दुनिया में पाँचवें नंबर पे इतने है पाकिस्तान ओवरसीज़ है, हैं किसी मुल्क के दुनिया में यानी इंडिया नंबर वन है चाइना दूसरे पे है फिर मैक्सिको है और पाँचवा चौथा कोई और है और पाँचवा पाकिस्तान का नंबर है इसके बावजूद उनकी कैपेसिटी साठ अरब डॉलर साल की भेजने की है चाहिए तो वो जो वो जो जरदारी ने कहा था कि इनको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं इनको हमने वोट का हक नहीं देना वो ये तो असल में ये तो आप उनको दे के तो उनको और पंप करते हैं उनको वो पंप, वो कहते हैं उनको और शाबाश देते हैं कि आप तुम लोग पैसा भेजो इधर रखो तुम्हें हम बड़े बड़े एजाजात से नवाजेंगे ठीक है ना तो वो अब आप, आप बेगानों से जाके वो जो अरबियों के जाके वो नीचे बैठते हैं आप तो आप कम से कम उन उनको सर पे बैठा लेते वो हमारे ही भाई थे है जी हमसे ही गए हुए थे उनका मुल्क में अतमाद भी रहता <coughs> वो ज़्यादा पाकिस्तान आके पैसा भेजते लेकिन वो भी नहीं आप कर सके क्योंकि ये चोर है यहाँ तो ये देखो तो ना खोखर बरदरान है वहाँ पे लाहौर में कब्जे करने वाले इस तरह के हर शहर में ऊँडे इन सियासीियों ने पाले हुए हैं और वो वीज़ कमज़ोर शिकार होता है वो इधर होते नहीं है उनकी चीज़ों को कब्ज़े करते हैं उनके साथ जुल्म रहते हैं तो इसलिए वो भी कम भेजना शुरू हो गए है जी अब आप देखो ना बजाय कि ऐसी तदबीर करें कि पैसा अंदर आए लेकिन वो ऐसे कर रहे हैं कि पैसा आ, आ आने ऊपर से आई मैं आपको डील नहीं कर पाए ये जो जाहिल सागदार है उनको बड़क मार रहा था जी मैं देख लूंगा मैंने बड़ा डील किया है वो आप ना डील अब नहीं पता आप समझते हो समझता हो अरे बीस साल पुरानी दुनिया आज दुनिया बदल गई है दुनिया को आपको ज्यादा पता लग गया ड्रामे लूट लूट के आप ले जाते हो वहाँ दवाई लेने जाते हो वापस नहीं आते हो एक सर्चरी कराने जाती है वो नहीं वापस आती है एक बिलावल है वो दुनिया में सैर कर रहा है सरकारी खर्चे के ऊपर तलक बना रहा है उसका तलक नहीं बनेगा क्योंकि लोगों को पता लगता है यार ये बंदा है क्या ये लीडर बनेगा क्या बनेगा उसमें वो इन्ग्रीडियंट नहीं है प्रॉब्लम ये है कि ये जो अशराफिया है ये जो वो तबका है कि जिसने इस मुल्क को लूट लूट के कमज़ोर किया हुआ है उस वो तबके को ये एहसास नहीं है कि इस मुल्क का सर्वाइवल किस तरह होना है यानी कौन से जगह रखिएगा देखिए आज हर काम देखिए ना तीन चीज़ें अगर अगर तीन चीज़ें अगर तीन चीज़ें चीज़, चीज़, मैं दावे से कहता हूँ अगर ये इसमें अमल कर ले अगर मुल्क तरक्की ना करे तो आप मेरी गर्दन उड़ा दें नंबर वन पाकिस्तान में एमरजेंसी तलीमी एमरजेंसी लगा दें नंबर दो आज से एक्सपोर्ट्स बिल्कुल बंद करके जो दवाइयाँ हैं या जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसके अलावा इम्पोर्ट्स दवाइयाँ या कोई ऐसी मटेरियल जिससे राम मटीरियल को चीज़ बनता है उसके अलावा इम्पोर्ट बंद कर दें और सारा तोजो एक्सपोर्ट्स पर लगाए ठीक है ना और ये फौजियों को कहें कि आप ही असला बनाए ये जाके भेजें ना एच एफ थंडर या जो भी आपने बनाया था ये भी आप भेजना शुरू करें एक्सपोर्ट बनाए नंबर थ्री ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपनी सार आंखों पर बैठाएं उनको इज्जत दें ठीक है वो आपके लिए जाके धक्के खा के पैसा कमा के यहाँ बेचते हैं और आप उनको यहाँ आते हैं तो यहाँ इस मुल का ही नहीं समझते हैं। आप उसको वोट कि नहीं देते कि जिनको ग्राउंड ब्रोडी का नहीं पता अगले खून पसीने से कमाई करके कम्पटेटिव वर्ड्स के अंदर पैसा यहाँ भेज रहे हैं और आप उनसे इस तरह बेहेव कर रहे हैं उनको सारा आँखों पर बैठाएं उनको इज़्ज़त दें ये तीन काम कर लें अगर मुल्क तरक्की ना करें इन सारे इन सारे करप्ट नसर को ये पता है लेकिन इसमें इनका पैसा नहीं बनता इनकी नस्लें नहीं इस मुल्क के ऊपर आती क्योंकि देखे यहाँ आप आपको याद होगा कि जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए थे पाकिस्तान में बिजली का प्रॉब्लम था उससे इन्होंने फ़ायदा उठाया ऐसे माहदे किए कि आप बिजली ना बनाएंगे तो हम आपको पेमेंट करेंगे डॉलर में पेमेंट करेंगे सही है ना डॉलर में डॉलर से लिंक कर दिया यानी रुपए की पेमेंट करनी होती ना वाइट डालर में होता है तो हम वहाँ तो कम से कम रुपये में पेंट कर सकते हैं लेकिन कहा नहीं आप हमें डॉलर में पेंट करें मियाँ मनशा या जिन लोगों ने भी ये प्रोजेक्ट्स लगाए इन्होंने उनके साथ किक बैक्स लेके बाहर की कंपनियों को भी इन्वॉल्व करके बहुत बड़े बड़े यानी कि वो कोई मोदी भी पाकिस्तान के लिए मायदे करता तो इस तरह ना करता जो इन्होंने किए थे सारी दुनिया सारा पाकिस्तान जानता है जाने तो जाने ना जाने को ले ना जाने बाग तो सारा जाने हैं तो ये इनकी नस्लें तब एम्पावर होती है जब मुल्क कमज़ोर होता है जब मुल्क दिवाली होता है जब मुल्क तबाह होता है तो इनकी नस्लें का इधर कुमार रहती है क्योंकि अगर आ, मुल्क ताकतवर हो गया आ, है जी उसमें लोगों की वजह से ताकतवर होगा कोई मुल्क किसी फौजी की वजह से ताकतवर नहीं होता कि उसके पास असला है उनके पास फौज बड़ी है वो तो रह, हमने सोवियत यूनियन देख लिया किस तरह गिरा को मुल्क तब ताकतवर होता है जबकि उसके लोग स्किल्ड हो जब ये सारा कुछ गलत दौर होता है तब ये अधनिया कहा होती है अदलिया तो कराए की है अदलिया तो क्राई की है यहाँ वो क्या है वो उनके केसेसरे जैसे फायदा का केस निकला था वो इसी पाने से निकला था वो औरों के भी केस हैं वो जो उसकी वो नंगी वो जो औरत के साथ तस्वीरें निकाली थी वो जो पिछला था नायब का चेयरमैन ये ही निकालते हैं सबको ब्लैकमेल किया होता है कि तेरा ये काम है तेरा ये है हमारे सामने है वीडियो है वो किसी कमजोर लम्हे के अंदर वो औरत के साथ था उसके फोटो वीडियो बना ली हर एक को तो ये मौके फराम कर देते हैं मुझे याद है जर्नलिस्ट को लड़कियां बेचते थे ये अदारे मसला ये है कि ये सारे असल में हम हम आम बंदा तो ये समझता है ना कि कोई किसी के ऊपर है तो पता नहीं कितना ताकतवर है जैसे अभी जरा असम मनीर आए हैं चीफ ऑफ आर्मी तो लोग तो समझते हैं ना जैसे ये कोई बहुत बड़ी ताकत है पावर अमरीका के बगैर ये बाशर भी नहीं जा सकते अनफॉर्चुनेटली ये बदकिस्मती है अमरीका या जो भी और ताकतें हैं जिनका तसलत है हमारे ऊपर जिनसे हमने करते लिए हुए उनके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते उसकी वजह यह कि आपने वो रास्ता ही नहीं अख्तियार किया जो कि कायदादम का रास्ता था खुद मुख्तारी का रास्ता था गैरत का रास्ता जो इकबाल की सोच थी चलिए हाजी खुद खुद ही की सोच तो थी वो आपने इख्तियार ही नहीं किया ऐसे ऐसे रियासत आपने वो इख्तियार किया कि हमें कहाँ से बीख ज़्यादा मिलेगी वो रास्ता इख्तियार किया तो भीख मांगने वाली कोई इज़्ज़त है अब आप देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जाता है वजीरम भी जाता है वो सारे वजीर भी लाइन में खड़े किए होते दिया दिया उन्होंने कुछ भी नहीं तो वह अर्ज़ करने वाले के डॉलर इस में पाकिस्तान में आता है इस तरह पैसा तगड़ा होता है उसके पीछे देखिए एक कारोबार किससे मजबूत होता है जबकि उसके कारोबार के चलाने वाले जुम्मेदार जो पॉलिसी मेकर जो है वो ऑनेस्ट हो वो वो लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिलीवर करें तो कारोबार स्ट्रांग हो जाता है उसकी आवा माशरे में होती है कि यार ये बंदे जो हैं सच्चे खड़े हैं ठीक है ना ये बंदे एह की नहीं करते सवाल पैदा नहीं होता ये कि किसी का पैसा मारे किसी को गलत मशवरा दे कोई एक मिसाल भी नहीं है इससे कारोबार बड़े खड़े हो जाते हैं पैसा तब खड़ा होता है जब उसके पीछे उसका रियासती अदारे जो है वो खड़े होते हैं कि भाई नहीं हमने अपने मुल्क की वैल्यू को की कमी नहीं करनी हम तो कराए के कातल मशहूर है दुनिया में अच्छा हाद करा लो हमसे वो सोवियत यूनियन के खराब हमने आजाद किया अभी दहशतगर्दी गर्दी के बाद हमने जो अपने लोगों को बार बार के बारह से पैसे दिए लोगों से अर्ज करने का मतलब यह कि डॉलर तब मजबूत होगा जबकि हम महबे वतन होंगे गदार मेबे वतन होंगे अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे अपने अंदर पोस्टी फिनाएंगे बिजनेस मैन को सपोर्ट करेंगे कि भाई आप बिज़नेस करो ना सिर्फ यहाँ अपने प्रोडक्ट बेचो दुनिया भर में भेजो चलो छोटे छोटे मुल्कों को तो भेजो डालर तो आए कुछ तो हम दुनिया को बेच सकते हैं हम बहुत कुछ बेच सकते हैं लेकिन रास्ता ज़रा मुश्किल है क्योंकि ये जो दौड़ होते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चार साल का होता है वजी अजम का पाँच साल का होता है अब वो इस दौर के अंदर ही उन्हें सारी दुनिया व आखरत हासिल करनी होती है दुनिया ही आखरत क्या करनी दुनिया ही हासिल करते हैं तो उन्होंने अपनी दिहाड़ियाँ लगानी होती हैं तो फिर इस तरह मुल्क नहीं खड़े होते क्योंकि उसको उसके लिए पच्चीस साल बीस साल पंद्रह साल की सख्त जो चाहिए मेहनत चाहिए बेलॉस होना पड़ता है तब जाके होगा प्रॉपर्टी रेडी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया